बरेली में पंजाबी महासभा द्वारा लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम एक रंगारंग कार्यक्रम हवेली रिसोर्ट फन सिटी में आयोजित कार्यक्रम किया गया, जिसमें पंजाबी संस्कृति की एक झलक नजर आई। दिल्ली से आए सुबह ब्रदर्स ग्रुप में लोगों का मन मोह लिया है। उनके गानों पर सभी ने खूब धमाल किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर उमेश गुप्ता, पलिया विधायक रोमी सहानी, पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन, पूर्व महापौर सुप्रिया एरन, विधायक राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतोल विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में इस वर्ष बच्चियों के माता पिता का सम्मान किया गया। एक बच्ची ऐसी थी जो 82 साल के बाद एक खानदान में पैदा हुई थी, जिसका मुख्य सम्मान किया गया। इसी के साथ 40 ऐसे लोगों का सम्मान उत्कृष्ट सेवा के लिए किया गया। कार्यक्रम में 150 लजीज व्यंजनों का स्वाद लोगों ने चखा है, जिसकी भरपूर प्रशंसा की गई। समाज को जोड़ने का प्रयास जो पंजाबी महासभा द्वारा किया गया, उसकी प्रशंसा सभी ने की है। पंजाबी महासभा के अध्यक्ष संजय आनंद ने कहा, हम समाज में हो रही कृतियों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। समय समय पर कार्यक्रम करके इन बातों को समाज के सामने रखते भी रहे हैं। कार्यक्रम में दर्शनलाल भाटिया, रंजीत सिंह काका, संजीव सहानी, जुगल किशोर मकड़, अमित अरोड़ा, सुमन सहानी, संजीव आनंद, रंजीत सिंह, प्रिंस सोनी, नेहा सहानी, रोहित सबरवाल, शिव मकड़, आरती पुरी, नीतू सेठी, सोनिया सेठी, बलविंदर कौर, अरोरा सौरभ भसीन, मनीषा आहूजा, सिमी आनंद आदि का विशेष सहयोग रहा। नाम है आपका? गुलशन आनंद। सर, लोहड़ी के पावन मेला पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे बरेली वासियों? लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम इसका प्रमुख उद्देश्य है, और धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम यदि स्वच्छ मन से कोई करता है तो प्रभु भी मदद करता है। कल तक कैसा मौसम खराब था और आज कैसी प्रभु की कृपा हुई है कि भगवान भास्कर आज सवेरे ऐसे प्रकट हुए जैसे लोहड़ी के लिए हुए। तो ऐसा लगता है आप सच्चे मन से जो काम करते हैं प्रभु आपकी मदद करता है। ऐसा एक ऐतिहासिक लोहड़ी का पर्व जो पंजाबियों के लिए शान है, उसी शान के साथ आज पंजाबी महासभा की टीम इसको मना रही है। देश और धर्म की रक्षा के लिए युवाओं को बाकी कामों से अलग हटके इसके लिए भी काम करना चाहिए। यदि देश और धर्म सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं, आपका हिंदुस्तान सुरक्षित है, और आप सब मिलकर इस पंजाबी त्यौहार को मनाइए लोहड़ी को। ये एक संदेश जाता है, गुड़ और तिल को जैसे मिला के एक मिठास बनती है, वैसा ही सब मिलकर जुल कर रहें तो इस हिंदुस्तान के अंदर वैसी मिठास बनेगी।